परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष और संस्थापक श्री चिदानंद सरस्वती जी से बहुत बहुत स्वागत है आपका। चूंकि देश के भीतर एक अजीब सा कोलाहल है, देश की जनता बहुत कुछ कई मुद्दों पर बात करती है, क्या वो असल मुद्दों को छू पा रही है जो जीवन के पहलू हैं, जो जीवन से जुड़े हुए हैं, क्या वो उन पर सोच पा रही है, या फिर कुछ ऐसे मुद्दे जो उनके जीवन से जुड़े नहीं हैं उन पर वो ज़्यादा विचार कर रही है? मुझे लगता है कि जीवन का लक्ष्य केवल बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा करना, बड़े बड़े बन जाना, बड़ी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना नहीं है। ऋषियों ने जब हमारे जीवन के लक्ष्य को निर्धारित किया, उन्हें कहा बड़े बनो, नो प्रॉब्लम, लेकिन बढ़िया भी बनो। अपनी अलमारियों के शेल्फ भरो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई विरोध नहीं है हमारे यहाँ। खूब कमाओ, पहले अर्न करो, नहीं पहले लर्न करो। मुझे कमाना क्या है, केवल पैसा कमाना है? ज़िंदगी को भी कमाना है, रिश्तों को भी कमाना है। आज तो कमाते 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 हम इतने आगे बढ़ गए कि रिश्तों को ही खो बैठे, रिश्ते ही किश्तों में हो गए। इसलिए उन्होंने कहा भाई कमाने से पहले कुछ सीखो। क्या सीखो? बोले वो विद्या जो केवल मुझे नौकरी करने तक सीमित ना करती हो, बल्कि मेरे जीवन को भी, मुझे कैसे जीना है वो विद्या भी सिखाती हो। इसलिए शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की बात आती थी, कंप्यूटर के साथ साथ कल्चर की बात आती थी। कई बार लोग, पीपल बिकम एजुकेटेड बट दे आर नॉट कल्चर्ड, वी हैव टू बिकम कल्चर्ड। तो वो कल्चर जो है, मेरा कल्चर, मेरी नेचर ही मेरा फ्यूचर है। मेरा कल्चर यदि मैं नहीं समझ पाया, मेरे नेचर को नहीं समझ पाया, तो मेरा फ्यूचर कभी भी प्रकाश में नहीं होगा, अंधकार में होगा। या कमा तो खूब लेंगे, खूब आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन कमाने के साथ साथ खुद को गंवा बैठेंगे। इसलिए आज अलमारियों के शेल्फ तो भर गए, एक अलमारी भरी फिर दूसरी भरी, होड़ लग गई है, तीसरी भरी, छोटी कार फिर बड़ी कार फिर बड़ी कार, नो प्रॉब्लम। हमारा शास्त्र इसका विरोध नहीं करता है, पर वो कहता है कि शेल्फ अलमारियों के भरो, लेकिन साथ साथ सेल्फ खाली ना रह जाए, इसका भी ध्यान रखना है। तो जीवन जो है शेल्फ और सेल्फ दोनों का संगम है। जीवन भव्य बने, लेकिन जीवन दिव्य भी बने। बाहर से भरो, लेकिन भीतर खाली ना रह जाओ, इसका भी ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट करो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, आज जिसको देखो क्या कर रहे हो, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। शास्त्र कहता है एक प्रोजेक्ट नहीं, अनेकों प्रोजेक्ट करो। फिर इसके बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर लिए, फिर खुद को भी प्रोजेक्ट करो, नो प्रॉब्लम, ये हो गया पीआर। जितना बड़ा पीआर उतना बड़ा व्यापार, नो प्रॉब्लम। वो कहते हैं आप प्रोजेक्ट बनाओ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो, खुद को भी प्रोजेक्ट करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये याद रखो अंतिम में कि आई एम ऑल्सो ए प्रोजेक्ट, मैं भी एक प्रोजेक्ट हूँ, खुद पे भी काम करो। अपनी बैलेंस शीट भी बनाओ रोज बैठ के शाम को, कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, वेदर आई एम बिकमिंग बिटर आर बेटर, वेदर आई एम इन पीस आर इन पीसेस, वेदर आई एम सेट आर अपसेट, टुडे एवरीथिंग इज सेट, सारी चीज़ें सेट हैं, टी सेट, टीवी सेट, सोफा सेट, सोलिटेयर सेट, साड़ियाँ सेट, सैंडल सेट, सूट सेट, सब सेट, लेकिन आदमी अपसेट। तो शास्त्र ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, खूब कमाओ, लेकिन कमाते कमाते कहीं खुद को ना गंवा बैठो। इसलिए जीवन में हम सब इस तरह से जिए कि पहला तो केवल अपने लिए ना जिए, अपनों के लिए जिए, और उन अपनों में भी हिंदू धर्म की जो दृष्टि है वो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, हम तो एक परिवार हैं, छोटे परिवार से शुरू करो, फिर दीवारें तोड़ते जाओ, फिर बड़ा परिवार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पहले सीखो, फिर कमाओ, और फिर वापस लौटाओ समाज को। अर्न, लर्न, अर्न एंड रिटर्न, ये तीन प्रक्रियाएं हैं। तो जब वो आप पूरा समाज को, उस समाज में केवल मैं ही नहीं हूँ, पशु पक्षी भी हैं हमारे यहाँ, तो चीटियों का भी ध्यान रखा गया, गऊ का भी ध्यान रखा गया, श्वान का भी ध्यान, मतलब सब जानवरों का भी ध्यान रखा गया, जिनको हम जानवर कहते हैं। सच बात तो जानवर कौन है, ये भी आजकल सोचने की ज़रूरत है, लेकिन उनका भी ध्यान रखा गया। इसका अर्थ है ये सारा मिलकर ही एक परिवार है। ये ताना बाना बना रहे
इसका ध्यान रखना ही हिंदू धर्म है। सृष्टि की संरचना की आप बात कर रहे हैं और ये बात आजकल बहुत हो भी रही है और उसके ऊपर विश्व लेवल पर बहुत अच्छी बातें, बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं। हमारे देश में भी नदी और पर्यावरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत अरबों खरबों खर्च हो रहा है। आप गंगा एक्शन प्लान से जुड़े हैं, गंगा को और गंगा से जुड़ी दूसरी नदियों के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्या इसके बीच सही में काम हो रहा है नदियों को साफ करने की दिशा में, या सिर्फ वही जो वादे होते हैं वही किए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि बहुत परिवर्तन आया है पिछले 4 साल में। समय लगता है चीज़ों को समझने में, बदलने में और ठीक से प्लान करने में। ग्रैंड प्लान एक है ग्राउंड प्लान। ग्रैंड प्लान में बहुत बड़ी चीज़ें हो रही हैं और दिखने भी लगेगा। जहाँ तक ग्राउंड प्लान है, ग्रैंड प्लान सरकार करे, लेकिन जो ग्राउंड प्लान है उसमें हम सबको जुड़ना चाहिए जो ग्राउंड पे हैं, जिनके हाथ में 4 लोग हैं या 40 लोग हैं, परिवार में 4 लोग हैं या 2 लोग हैं या भरा पूरा बड़ा परिवार है, सब मिलकर अगर उठ के खड़े हो जाए तो बात बन जाएगी। उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। पहली बात सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दूसरी बात सेंस ऑफ ओनरशिप कि मेरा है। जिस दिन मेरा घर बिक जाता है, वो किसी और को हो जाता है, तो मैं उसमें पेंट भी नहीं करता। ऐसा करते हैं कई बार लोग। मैं किसी घर में जाता हूँ, कई बार किराए पे रह रहे होते हैं, उनको लगता है कि अब पता नहीं कब इसको खाली करना पड़े। कुछ टूटा है तो टूटा रहे, पेंट अगर उखड़ा है तो उखड़ा रहे, बाथरूम में पर्दा टूट, क्यों? क्योंकि मेरा नहीं है। लेकिन जो घर मेरा है उसके लिए मैं अपनी जान दे देता हूँ। अपनत्व की भावना, अपनत्व की भावना, ये जो अपनत्व की भावना है, जैसे मेरे घर से है, खुद से है, बस वो अपनी गली से हो जाए। मेरी गली जिस दिन चमक जाएगी ना, मेरा गांव चमक जाएगा, क्योंकि हर एक के पास अपनी अपनी गली है। फिर गली से आगे बढ़ सके और थोड़ी हिम्मत करें और कुछ लोगों को जोड़े, तो पक्का मानिए मोहल्ला अपना लें हम। ईरान में अभी मेरी कल्बे सादिक साहब से बात हो रही थी, बड़े धार्मिक जगत के, शिया जगत के बड़े ही काबिल एहतराम विद्वान है, मौलाना है। वो कह रहे थे कि ईरान में उन्होंने क्या किया, एक एक मोहल्ला मोहल्ले वालों को सौंप दिया। मोहल्ले की जिम्मेदारी तुम्हारी, मुल्क की जिम्मेदारी हमारी। और मोहल्ला बदलेगा तो माहौल बदलता है, माहौल बदलता है तो मुल्क बदलता है। इतना ही तो करना है, केवल माहौल को बदलना है। तो आदरणीय भारत के यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने इस माहौल को बदलने की कोशिश की है। समय लगता है, क्योंकि इसमें हम सबको भी तो बदलना है। जो बाकी लोग हैं, कहाँ गली गली में चौकीदार खड़ा करोगे, पहरेदार खड़ा करोगे? अब तो गंगा के पैरोकार, नदियों के पैरोकार और पहरेदार हमको खुद बनना होगा, खुद भगीरथ बनना होगा, खुद ये काम संभालना होगा, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। इसलिए काम काफ़ी आगे बढ़ा है और अगले 3-2 महीने के बाद आपको दिखने लगेगा। अभी हमने एक प्रयोग किया जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी से, एक ऋषिकेश के नाले को जो बिल्कुल गटर की तरह था, आज झरझर झरझर झरने की तरह बहता हुआ हो गया। जब मुख्यमंत्री जी ने देखा, वो आए बिना समय खोए और उन्होंने वहाँ पर देखकर चकित रह गए और सेल्फी ली। वो नाला जो सीवर बन चुका था, जो सूएज बन चुका था, वो सीवर पॉइंट सेल्फी पॉइंट बन गया। उन्होंने एक पिक्चर ली, सब ने साथ साथ देखा और सीवर पॉइंट बना सेल्फी पॉइंट। ठीक है, ये तो चलिए नदियों की बात रही। पर्यावरण में जब हम आते हैं तो खेती को लेकर इस देश में किसानों की जो समस्या है वो ये इन प्रकार बनी रहती है। अब पराली जलाने की बात है, पराली को लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में वातावरण, पर्यावरण, हवा तक दूषित हो गई, लोग सांस नहीं ले पाए। इसका निराकरण आज तक नहीं हो पाया है। ये एक मुद्दा बन के रहा है लेकिन इसको लेकर कोई भी ठीक से काम नहीं कर पाया, या हो सकता है सोच नहीं है, क्या ऐसा सही? यस, मुझे लगता है कि समस्या सामने है। अभी पिछली बार 2 अक्टूबर को आदरणीय इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी और हम लोग लाइव, एक कार्यक्रम था 2 अक्टूबर के दिन NDTV के द्वारा, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री जी से पूछा इस समस्या का क्या समाधान निकाल पाए। उन्होंने बोला हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक हम कोई समाधान नहीं निकाल पाए। मैंने उस समय उनको एक हाथ उठा के कहा, एक समाधान है,
तो अमिताभ जी ने कहा क्या, मैंने कहा 3F प्रोग्राम। पहला F, फार्मर इज हैप्पी, जो खेती करता है वो खुश रहे, फार्म इज हैप्पी, जो जिस जमीन में खेती होती है वो खुश, और तीसरा है फैमिली इज हैप्पी, उसको अच्छा मकान मिलेगा वो भी खुश होगी। कैसे? पराली को अब बदल देंगे एक सुंदर मकान में, पराली परिवार को एक सुंदर सपने को पूरा करने का अवसर देगी। सबका है सपना सुंदर सा घर हो अपना, पर कैसे? ये पराली के द्वारा पूरा हो सकता है। प्रदूषण भी नहीं होगा, पर्यावरण भी बचेगा, पराली जलेगी नहीं और प्यारा सा घर बनेगा। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं 2 साल पहले अमेरिका जा रहा था, जब तक हम पहुंचे दिल्ली तो पता लगा फ्लाइट कैंसिल हो गई। मुझे पता लगा क्यों, बोला कि पराली का जो प्रदूषण है इतना ज़्यादा हो गया है, स्मॉग इतना फैल गया है कि फ्लाइट को उन्होंने कैंसिल कर दिया, और कुछ अमेरिका से आने वाली फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं। 2 दिन के बाद फ्लाइट मिली, मैं अमेरिका पहुंचा, मैं लॉस एंजल्स गया था, वहाँ एक परिवार के साथ मेरी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस संभाले, डायमंड का उनका बिजनेस, और लेकिन वो चाहता है कि मैं, डैड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस बिजनेस, आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। आई सर व्हाट डिफरेंट? उन्होंने कहा मेरे बेटे को आप समझाइए। तो मैंने कहा बेटा क्या करना चाहते हो? वो कोलंबिया से MBA करके आए थे, यंग मैन, डायनेमिक, डेडिकेटेड, डैशिंग मैन। मैंने कहा क्या करोगे? बोले आई वॉन्ट टू डू समथिंग ग्रीन। तो मैंने कहा ग्रीन? तुरंत मुझे लगा अभी मैंने 2 दिन पहले जो समस्या देखी है क्यों ना इसको देखा जाए। तो मैंने उनको कहा तुम एक बात करो, पता लगाओ इस पराली से क्या कुछ हम खड़ा कर सकते हैं, इस समस्या का समाधान बना सकते हैं। पिता से बात हुई, उनसे बात हुई, दोनों लग गए। तुरंत उन्होंने समाधान 1 हफ्ते के अंदर मुझे बताया, यस किसी को जानते हैं एक ही कंपनी अमेरिका में जो इसका समाधान जिसके पास है, चर्चा करो। मैं वापिस लौटा, वो यहाँ आ गए उनको लेकर। मैंने कहा आपको भारत आना पड़ेगा, भारत आकर भारत को आगे बढ़ाना होगा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू करना होगा। तो उन्होंने कहा हम आएंगे, वो आए, लंबी स्टोरी है लेकिन शॉर्टकट, वो आए और उन अमेरिकन कैनेडियन टेक्नीशियंस को भी लेके आए, इंजीनियर्स को लेके आए, भारत के इंजीनियर्स के साथ बातचीत हुई और गुजरात में महसाना में कंपनी शुरू हो गई। उससे एक प्यारा सा मकान बनेगा, 300 स्क्वायर फुट का, 3 लाख रुपये का मकान, 50 साल की गारंटी, ना आग जलाएगी, फायर प्रूफ, ना पानी गीला करेगा, वाटर प्रूफ, ना दीमक खाएगी, टर्माइट प्रूफ, और ना ही उसको अर्थक्वेक, भूचाल हिलाएगा। आत्मा की तरह, आत्मा सदा के लिए ऐसी है, लेकिन ये 50 साल के लिए, प्यारा सा घर, प्यारा सा आशियाना, और सब पूरा होगा सबका सपना। बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत प्रोडक्टिव प्लान है ये, और बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि समस्याओं के साथ ही समाधान मिल रहा है। ये बातचीत जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। सभी का स्वागत है, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से हम बातचीत कर रहे हैं, और इस बातचीत में बहुत सारी समस्याओं के समाधान तो ऐसे निकल रहे हैं चुटकियों में। हिंदुइज्म को लेकर भी इस देश के भीतर बहुत सारे परिभाषाओं को बताया जा रहा है। मैं नेताओं की बात नहीं करूंगा, मैं आम लोगों की सोच की भी बात करूंगा। सब अपने अपने तरीके से हिंदुत्व की व्याख्या कर रहे हैं, गुड हिंदुत्व, बैड हिंदुत्व, और युवाओं के बीच में हिंदुत्व का क्या सही मैसेज गया है? आप घूमते हैं, आप युवाओं से बातचीत करते हैं, आप मंदिरों में जाते हैं, आप हर उस धर्मस्थल पर जाते हैं जहाँ पर आप विचारधाराओं से लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। हिंदुत्व जोड़ता है, हिंदुइज्म जोड़ता है, लेकिन क्या वाकई युवाओं के भीतर इसकी परिभाषा बिल्कुल सही है? पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश के जवान भाई बहन अपने धर्म को समझें, पढ़ें, बार बार अध्ययन करें उसका, मनन करें उसका। वो एक ऐसा धर्म है जो जीवन की कला सिखाता है। मुसीबतें जीवन में आती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उस मुसीबतों को मुस्कुराते हुए कैसे जीना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। उस आर्ट ऑफ लाइफ को यदि कोई सिखाता है वो अपना धर्म है। जैसे वेद अपौरुषेय हैं, ऐसे हमारा धर्म भी प्राचीन है। धर्म कट्टर बनाता? धर्म कट्टर नहीं बनाता, धर्म तो व्यक्ति को ऐसी समझ पैदा करता है जो
जितनी दीवारें पहले कभी खड़ी भी हो गई हों उन दीवारों को भी तोड़ देता है, दरारों को भर देता है और दिलों में एक मोहब्बत का जोश पैदा करता है, एक समझ पैदा करता है, आपस के आपसी सद्भाव पैदा करता है, भाईचारा पैदा करता है। क्योंकि धर्म का सीधा सीधा अर्थ है कि तुम और मैं अलग नहीं हैं, हम एक हैं, तुम में भी वही आत्मा है, मुझ में भी वही आत्मा है। जब दोनों में एक ही स्पिरिट है, ये तो स्पिरिचुअलिटी है, इस बात को समझना ही स्पिरिचुअलिटी है कि कोई अलग स्पिरिट नहीं है, एक ही स्पिरिट है, एक ही आत्मा है हम दोनों के बीच में। मेरा हाथ जब इसको चोट लगती है तो दूसरे हाथ को भाषण नहीं देना पड़ता, मेरे पैर अगर चोट लग जाती है तो दूसरा पैर तुरंत सामने आ जाता है, आगे वो लिंप करके चलने लगता है, संभाल लेता है, उसको भाषण नहीं देना पड़ता, हे भाई कमान ये भी तुम्हारी तुम्हारा पैर है, ये भाषण उसको पता ही मेरा पैर है, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी जान मेरी है। पर जिस दिन हम ये समझते हैं सामने वाला भी मेरा है, अपनत्व का भाव, और हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है, हम सब एक परिवार हैं, पहले इस दायरे में समझें, फिर उस दायरे को विस्तृत करते हुए आगे बढ़ें, और फिर हम पूरे समाज को, प्रकृति में हर चीज़ जो है उसको, नदी है, नाले हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, पानी हैं, सबको अपना मानते हुए उसकी रक्षा करें। इसलिए ऋषियों ने पेड़ों के लिए, पहाड़, इवन तुलसी को भी गिन गिन के तोड़ते हैं, जब तीन पत्ते चाहिए तो तीन चाहिए, पांच चाहिए तो पांच चाहिए, यानी कि तोड़ के डाली उठाया और मार के तोड़ के फेंक दिया, उसको जान निकाल दी। जितना ज़रूरी है लिविंग विद लेस, लिविंग विद मिनिमम, ग्रीड और नीड में धर्म अंतर करना सिखाता है। धर्म कहता है एक तो जो मेरे सामने है, सृष्टि जगत ये प्रभु के द्वारा बनाया हुआ है, ईशा वास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ कृता कस्य धनम, ईशा वास्य मिदम सर्वम, ये सारी सृष्टि एक परमात्मा के द्वारा बनाई गई है, और जो कुछ भी है ऐसा नहीं कि इस मेड ऑफ बाई देम, मेड बाई हिम, बट मेड ऑफ हिम, वही बनाने वाला है, वही बनने वाला है, वही सब कुछ है। दृष्टि को बदलना है, अपने चश्मों को बदलना है तो सब कुछ दिव्य दिखाई देने लगेगा। ये पहला सबक है किताबे खुदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का, वहाँ भी यही कहा, लेकिन हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं लोगों को। एक नूर तो सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे, देखो ना एक ही नूर से सारी सृष्टि हुई है। इसलिए हमारे यहाँ कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः, हमारे हर प्रार्थना के बाद सर्वे 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 माने ऑल ऑल ऑल, हे प्रभु सबका भला हो, सब स्वस्थ हो। स्वस्थ और स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज के भीतर। देखिए देश में सरकारें आती जाती रहती हैं, वो अपने वायदे करती हैं, हम सरकारों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं जो जनता के बीच उन बातों को मुखर होकर रखते हैं। हम बात शिक्षा के क्षेत्र की कर रहे हैं, हम बात स्वास्थ्य के क्षेत्र की कर रहे हैं, क्या वाकई इस देश में वो व्यवस्थाएं अनुकूल हो रही हैं जहां पर आम आदमी यानी कॉमन मैन को वो शिक्षा और स्वास्थ्य मिल रहा है? हिंदू धर्म ने व्यक्ति को स्वस्थ रहना सिखाया। स्वस्थ का मतलब केवल इतना ही कि मेरी बॉडी स्वस्थ हो जाए, मेरा मन भी स्वस्थ हो। बॉडी भी तो स्वस्थ रहनी चाहिए। मेरा केवल बॉडी स्वस्थ हो, मैंने कहा मेरा तन स्वस्थ हो, केवल इतना नहीं बल्कि मेरा मन भी स्वस्थ हो, मेरी बुद्धि भी स्वस्थ रहे, मेरी आत्मा भी स्वस्थ हो। स्वस्थ केवल हेल्थ नहीं है, भीतरी हेल्थ भी है, इनर हेल्थ भी है। स्व मतलब अपने आप में स्थित हो जाना भी स्वस्थ होना है, अंतरात्मा का स्वस्थ है। क्योंकि क्या होता है कई बार हम बाहर ही बाहर दौड़ते रहते हैं, भीतर लौट ही नहीं पाते हैं, भौतिक चीजों में ज्यादा हम लोग यही समाज कर रहा है आज। इंटरनेट को देखिए आप, इंटरनेट के माध्यम से आप पूरे विश्व से जुड़ जाते हैं, अनजान लोगों से भी जुड़ जाते हैं, सबसे जुड़ जाते हैं आप। इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन जुड़ने के बाद उसका दुरुपयोग कितना कर रहे हैं हम, क्या करें फिर उसके लिए, क्यों होता है ये दुरुपयोग? क्योंकि मैं कहीं भीतर जुड़ा नहीं हूँ, भीतर खाली हूँ। तो हमारी शिक्षा कहती है इंटरनेट ग्रेट, लेकिन साथ साथ एक और भी शिक्षा है, वो इनरनेट की है। इंटरनेट और इनरनेट दोनों साथ साथ चलें। ये करेक्शन कैसे होगा? करेक्शन होगा उसमें डुबकी लगाने से। गंगा के किनारे चले जाओ, बैठे रहो बाहर कपड़े पहन के,
तो गीले नहीं हो पाएंगे, स्नान का मज़ा नहीं ले पाएंगे, और कई बार तो कपड़े पहन के नहा के भी वो मज़ा नहीं आता जो कपड़े उतार के मज़ा आता है। आपका पूरा तन मन भीग जाता है। तो डुबकी लगानी पड़ेगी, और डुबकी लगाने के लिए ऐसे स्थलों पर जैसे परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में पूरे विश्व से लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। हमको ये नहीं कहते कि अपना धर्म बदलो। यहाँ रहने के बाद उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है कि लगता है कि कुछ होना चाहिए जीवन में, मैं कहाँ खड़ा हूँ। लेवल बदलने से काम नहीं चलेगा, लेवल बदलने से भी काम नहीं चलेगा, चीज़ों को लीगल करने से भी काम नहीं चलेगा, लेकिन जब दिल बदल जाता है तो बात बन जाती है, दुनिया बदल जाती है। इसलिए हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, 125 देशों के लोग, 130 देशों के लोग पूरे विश्व से यहाँ आते हैं। एक फेस्टिवल में, हमारे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में, अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह जब होता है मार्च में, शुरू में पहले सप्ताह में 1-7 में 101 देशों के लोग इस साल थे। भारत के उपराष्ट्रपति आए, उन्होंने संदेश दिया। पिछले साल भी 101 देशों से ज़्यादा लोग थे। आदरणीय मोदी जी ने आधा घंटा वीडियो के, लाइव वीडियो के माध्यम से संदेश दिया। लोग गदगद हो गए। किसी को ऐसा लगेगा कि हम कुछ हिंदू हिंदू सुन रहे हैं। हिंदू धर्म का मतलब ही है व्यापक, आत्मतृप्ति, व्यापकता। व्यापकता का अर्थ ये है कि जो दीवारें खड़ी नहीं करता, दीवारें खड़ी हो तो उसको भी तोड़ने की बात करता है। कहता है अटल जी कहा करते थे, छोटे दिल से, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। धर्म ये सिखाता है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, किसी की जड़ों को काटिए मत। ये हिंदू धर्म है। कहता है Let all the noble thoughts come from all direction. आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः। वेद कहता है जहाँ से भी बढ़िया विचार मिले ले लो, अपना बना लो, अपना बना लो उसको और जीने लगो, क्योंकि अच्छाई तो अच्छाई है। ये जो विशेषता है हिंदू धर्म की, वो कहता है अभ्युदय और निःश्रेयस। पूरे मानव समाज की बात करता है, अपना अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों साथ साथ चलें। मुक्ति की बात करते हैं लेकिन बोले मैं से मोक्ष, मैं का मोक्ष हो, मैं से मोक्ष हो, वही तो मुक्ति है। अपने अहम से मोक्ष पा लेना, मुक्ति पा लेना ही सबसे बड़ा मोक्ष है। इसलिए कहता है अहंकार मत करो, विनम्र रहो, धृति क्षमा। देखो धर्म के जो दक्ष लक्षण हमारे हिंदू धर्म में कहे हैं, कहते धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। धृति बोले धैर्य, घबराओ नहीं, टूट मत जाओ, निराश मत हो जाओ। छोटी छोटी बातों में, आज आपने जवानों की बात की, थोड़ी देर में ही आत्महत्या की बात सोचने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, आत्महत्या तो जीवन को समाप्त करना है, कलंक है, कभी नहीं सोचना चाहिए। ये तो विषाद से प्रकाश की ओर ले जाने की यात्रा है। हिंदू धर्म यूनिवर्सल है, सबके लिए है, कभी हिंदुओं के लिए बात नहीं करता वो धर्म। वो कहता है जो भी यहाँ है, पृथिव्याम सर्वमानवः, पृथ्वी के सभी मानवों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। सत्य की बात, क्षमा की बात, अगला आता है फॉरगिवनेस, फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव फॉरवर्ड। क्षमा करो, क्षमा मांग लो और भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ, यही तो जीवन है। वरना दिल भारी होता जाता है, दिल भारी हो जाता है, दिन भारी हो जाता है, रात भारी हो जाती है। अब तो वो उस कमरे में, वो उस कमरे में, अब कौन पहले किससे बात करे, ये मुसीबत, उसके लिए डिप्रेशन में जा रहे हैं। मेरा एक आखिरी प्रश्न है आपसे, हालांकि हमारी बातचीत इतनी अच्छी हो रही है और लोग इससे बहुत कुछ ज्ञान भी ले रहे हैं। आध्यात्म की तरफ आपने बहुत रुचि भी दिखाई है, युवाओं को, देश को आध्यात्म से आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में स्वामी जी, आध्यात्म से जोड़ने का सबसे आसान तरीका, हालांकि आध्यात्म से दूर भेजने के बहुत सारे तरीके हैं, आपने इंटरनेट का जिक्र किया और भी कई सारे जो आधुनिक जीवन में लोग अपना रहे हैं, अध्यात्म से जुड़ने का सबसे आसान तरीका। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म, अधि आत्म, आत्मा की ओर मुड़ना, अपनी ओर मुड़ना। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है ध्यान। तीन चीज़ें मैं देता हूँ, मल्टी वाइटामिन्स एवरीडे, स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे, कितने भी क्यों ना व्यस्त हों। व्यस्त रहो लेकिन स्वस्थ रहो, और साथ साथ मस्त रहो। उसके लिए वन मेडिटेशन एवरीडे, ध्यान करो। ध्यान करोगे भीतर बहुत कुछ घटने लगेगा, पता लगेगा भीतर क्या चल रहा है। चिंतन करने का मौका मिलेगा, खुद को देखने का मौका मिलेगा, और जब खुद को देख लेंगे तब लोगे बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई, बुरा जो देखन मैं चला, हाँ। बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना
तो मुझसे बुरा ना कोई, अपनी कमियां दिखने लगेंगी। और कमियों को भी घबराना नहीं है, समर्पित कर दो गंगा जी को, समर्पित कर दो भगवान को, जिस भी भगवान में तेरा तुझको अर्पण। प्रभु तुम्हें तो मालूम है क्या चल रहा है अंदर अंदर, मेरी फिल्म तुम्हारे समर्पित। रोज अपनी फिल्म को देखो सोने से पहले। तो पहला है मेडिटेशन, ध्यान से जुड़ जाओ, गहरे उतर जाओ। खुद को पाना सबसे बड़ा पाना है, खुद को समझ लेना सबसे बड़ी समझ है, और उसके लिए ध्यान सबसे बड़ी कला है। नंबर वन। नंबर टू, नो रिएक्शन। आज जिसको देखो नाक में गुस्सा रखा है, रिएक्ट कर देते हैं, नॉट टू रिएक्ट। बोले नॉट टू रिएक्ट, हाउ इज पॉसिबल, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा यार, रिएक्ट नहीं करेंगे तो चले कैसे, सामने वाले तो खा जाएगा। कॉम्पिटिशन का जमाना है। बोले यस यू आर राइट। रिएक्ट कौन करते हैं, एनिमल करते हैं, तो रिएक्ट ना करो। बोले रिस्पॉन्ड करो। जब आप रिएक्ट करते हैं तो खो जाते हैं आप, जोश में नहीं होते आप, किस में होते हैं, जोश में होश में नहीं होते हैं आप, जोश में होते हैं आप लोग, गुस्से में होते हैं, गुस्से में होते हैं आप। जब गुस्सा होता है तो व्यक्ति खुद को भी नहीं पता लगता कि अशांत होता है, सॉरी मैं पता नहीं क्या कह गया, मुझे कहना नहीं चाहिए था, बाद में पता लगता है, हर्ट कर दिया। फिर हेट भी करने लगते हैं, फिर दूरियां बढ़ती हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसलिए उनका डोंट रिएक्ट, बोले रिस्पॉन्ड। क्या करूं मैं उनको रिस्पॉन्ड दूं लविंगली, प्यार से, एकदम ना उछल पड़ो। तो उसमें होश में रहेंगे आप, जोश में या गुस्से में नहीं होंगे बल्कि होश में होंगे आप। तो यू डोंट लूज योर सेल्फ, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, एक बात। तीसरी बात है इंट्रोस्पेक्शन। सोने से पहले रोज शाम को आंख बंद करके बैठ जाओ, अपनी फिल्म, सारे दिन की फिल्म खोलो, पता है मेरी फिल्म कैसी है, और तभी पता लगेगी जब मैं उसको रिवाइंड करूंगा जी, और मैं शुरू से लेकर अंत देखूं मैंने सवेरे क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, और करते करते आपको पता लगे ओ माय गॉड ये मेरी फिल्म है, व्हाट ए मेस। आत्मनिरीक्षण में पता लगेगा। देखो हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मन, हमारी बुद्धि, सब शॉपिंग करते हैं। हम ब्रेड और बटर लेने जाते हैं शॉपिंग सेंटर में, हमको लगता है कि हम ब्रेड और बटर खरीद के लाए, उतना नहीं, हमारी आंखें भी शॉपिंग करती हैं। तो अच्छा है बगल वालों को पता नहीं लगता, सच्ची है कि नहीं? बिल्कुल। अगर आंखें क्या क्या शॉपिंग करती हैं पता लग जाए, बड़ी मुश्किल हो जाए, बिना पिटे बाजार से ना आए कई लोग, कि नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे। तो भगवान ने एक मौका दिया है इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से कि देखो रोज इंट्रोस्पेक्ट करो, मैं कहाँ खड़ा हूँ, वेदर आई एम बिकमिंग बिटर और बेटर, वेदर आई एम इन पीस आर इन पीसेस, मैं कहाँ खड़ा हूँ। बस जब ये सोचने लगूंगा मैं, और मुझे कहाँ चलना है, कहाँ आगे जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, जिस दिन ये पता लगेगा कि मुझे प्रोजेक्ट तो करने हैं, खुद को भी प्रोजेक्ट करना है, लेकिन साथ साथ मैं भी एक प्रोजेक्ट हूँ, मुझे खुद पर भी काम करना है, साथ साथ मैं सेल्फी लूँ, लेकिन सेल्फी के साथ साथ क्या मैं किसी का दर्द भी कभी खींच पाता हूँ, बांट सकता हूँ, खींच पाता हूँ। अगर मैं किसी दूसरे के दर्द को खींच पाता हूँ तो पक्का मानिए आपकी खींची हुई सेल्फी तो कोई लाइक करेगा, लेकिन किसी का दर्द अगर आपने खींच लिया तो परमात्मा लाइक करेगा, पूरा समाज लाइक करेगा। बस ये कला है जीवन की कि धन, बहुत गूढ़ बातें आपने बताई। धनवान बन के आप तिजोरियां भर सकते हैं, लेकिन धनवान वो नहीं जो तिजोरियां भर लेता है, धनवान वो है जो अपनी तिजोरी को मानवता से, दया से, प्रेम से, प्यार से, करुणा से भर ले, वो सच्चा धनवान है, वो सच्चा इंसान है। सबको अपने पास रखे, सबको अपने प्यार करे, प्यार के मुझे लगता है कि समय आ गया है, मेरे दिल का सीधा सा इतना पता हो, मेरे दिल के आगे मोहब्बत लिखा हो। अपने पते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल में एक ही ठिकाना हो, एक ही पता हो, मैं सबको प्यार करूं। प्यार कर। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, और जीवन में अगर ये बातें कोई 10% भी अपना ले तो उसके जीवन में सुधरना तो बिल्कुल तय है, और हो सकता है कि वो अपने जीवन के लक्ष्य को भी पा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई। युवा इसको देखें, समझें, क्योंकि आजकल बहुत कुछ भटकाव की तरफ जा रहा है। इशारा यह भी है कि कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन लाना है तो समाज का हिस्सा बनना होगा। समाज को सिर्फ देखने से नहीं काम चलेगा, भीतर घुसकर उसको साफ करना पड़ेगा। खास मुलाकात में आज बस इतना ही।